पूनम पांडे को जानते हो आप? अरे हाँ, वो लेस्बियन सेक्सी लेडी। स्पाइडर अंकल कैंसर हुआ था उनको। डेथ इन इंडियन सोसाइटी और कल्चर बहुत ज्यादा ओमिनस चीज मानी जाती है कि भाई किसी ने फेंक खबर भेजी थी उसका बेड़ा का रखो जिसने ऐसे बोला। ऐसे ही अगर दो चार और झटके लगे समाज में ना तो धीरे सब जागरूक तो हो ही जाएगा थोड़ा। गुप्त एक्ट्रेस है। गुप्त उसकी पिक्चरें मतलब क्या गुप्त होती है? मतलब सेक्सी होती है। सेक्सी होती है। हाँ, जो फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता, मतलब उसको थोड़ा साइड में ढक के देखा जा सकता। आई थिंक इज पॉर्न स्टार। शीज अ पॉर्न स्टार। लाइक लाइक मतलब उसके जैसा कह सकते हैं। पॉर्न स्टार होता है, पॉर्न स्टार जैसा क्या हो गया? पॉर्न स्टार ही है जो गुजर गई है। पर वो जिंदा हो गई, पता चला कुछ नहीं तो जिनको कैंसर की वजह से। हाँ, पर वो गुजरी नहीं थी, वो जिंदा है। किसी ने फेक खबर भेजी थी उसका बेड़ा का रखो जिसने ऐसे बोला। उसने खुद भेजी फेक खबर। क्यों? उसको कैंसर के बारे में लोगों को बताना था। अच्छा, क्या कैसे मर जाओ और सरप्राइज भेजो। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक प्रमोशनल मूव किया सर्विकल कैंसर को अवेयरनेस के लिए। हाँ जी। सो डिड यू लाइक हर मूव? नो, आई डोंट थिंक इट वाज the right way to spread the awareness. Awareness तो यार सर्वाइकल कैंसर का हम तो गूगल कर रहे थे कि भाई क्या सर्वाइकल कैंसर, क्या भाई। तभी खबर सुनी थी हमने उनकी, वो मर गई हैं कैंसर से। स्पाइन को कैंसर हुआ था उनको। हाँ हाँ, पीछे का होता है ना, रीढ़ की हड्डी का। अच्छा, आप सर्वाइकल कह रहे हैं? हाँ, सर्वाइकल वो कैंसर। नहीं, वो सर्विकल कैंसर था जो भी था। गर्भाशय में होता है बच्चेदानी के पास। अच्छा। नो, आई डोंट थिंक सो इट वॉज अ राइट मूव जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रमोट समथिंग एंड यू डिड अ पब्लिसिटी स्टंट। इट वॉज मोर लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट फॉर हर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज शी वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हर सेल्फ फॉर अ सर्वाइकल कैंसर। निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च द लाइक अ फ्यू डेज बैक शी लॉन्च इन द वैक्सीन इन इंटरिम बजट। गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकता है या फिर पूनम पांडे ने अपनी तरफ से स्टेप लिया? गवर्नमेंट वुड नेवर यू नो टेक सच अ स्टेप इन्वॉल्विंग सच प्रूडेंट एक्ट्रेसेस, इफ आई मे यूज द वर्ड prudent actresses okay. and some such provocative things she posts on her insta or everything. Wo provocating hoti hai maybe to some audience obviously. So it was more like a publicity stunt for her reputation as well as for the publicity for herself. Matlab aur bhi acche moves ho sakte the awareness ke liye. Ye last option tha, matlab kuch zyada hi casual ho gaya. Kuch zyada hi casual ho gaya. But I really don't support her. It's a very cringy thing. Death in Indian society or culture bahut zyada ominous cheez mani jati hai ki bhai, but अगर आप उस पर प्ले अराउंड कर रहे हो कि भाई आज मैं मर गया कल जिंदा हो गया, टर्मिनेटर नहीं जॉन स्नो। बिल्कुल। पर एक तरफ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को इसके बाद सर्विकल कैंसर के बारे में पता, जो सर्वाइकल जो लोग समझ रहे थे, कुछ जो सर्विकल लोगों को नहीं पता वो पता चल रहा है, तो क्या ये अवेयरनेस के हिसाब से ठीक हुआ? अब देखो, ये तो वही बता सकता है जो मतलब उस रिलेटेड हो। हम तो देखो जेंट्स है, तो लेडीज़ को इस चीज के लिए अवेयरनेस रहना पड़ेगा। बीमारी तो सबके लिए, अगर लेडीज की बीमारी जेंट्स को भी तो अवेयर होना पड़ता है ना। लेस्बियन है ना वो? लेस्बियन क्या होता है? मतलब लेस्बियन होते हैं ना, लड़की लड़कियां सेक्स करती हैं, लड़कियां लड़कियों को, लड़कियां लड़कियां होती हैं, लड़का लड़का होता है, वो गे होते हैं। नहीं तो पूनम पांडे के बारे में तुम इतना जानते हो, लेस्बियन है। हाँ, और कुछ अभी कुछ हाल फिलहाल का नहीं? बहरहाल वो उसका काम धंधा है, जो भी वो करती ओढ़ती है उसको लगता है दुनिया में सारे इसी कैटेगरी के लोग हैं, तो उसने उसी। पर अभी रिसेंटली खबर आई थी कि वो उसकी डेथ हो गई है। हाँ, तो उसने वो इशू बनाया ना अपने आप में ऐसे ही डेट कराने का कि लोग जाएं, लड़कियां जाएं, जाके अपनी चेक इन कराएं, चेक कराएं, मतलब क्या चेक कराएं? अपने यूट्रस वगैरह जाके। अच्छा। अब ये जो लड़कियों का मैक्सिमम काम है जो चलता रहता है, आज से आज उससे सेक्स वगैरह जो करती रहती हैं लड़कियाँ। अच्छा। अब उसको लगता है सारी लड़कियाँ दुनिया में ऐसी हैं, तो मतलब जो लड़कियाँ सेक्स करती हैं उनको टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि ये कंपल्सरी है। दिन में मैक्सिमम एक दिन छोड़ के बीच करके किसी आज किसी कल उससे, तो वो होता है। अच्छा, अगर जो लोग मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करती हैं उनका कह रहे हो, उन्हें टेस्ट, मतलब अलग अलग लोगों के साथ? हाँ। तो उनकी ने जायज़ है, वो कर सकती हैं, उनकी ईजी है ना, तो वो लोग कर सकते हैं। क्या टेस्ट कर सकती हैं? टेस्ट वगैरह कर साथ, अगर वो सेक्स करते हैं तो वो टेस्ट भी करना जानते हैं, कराना जाने करना चाहिए ना उनको फिर टेस्ट वगैरह। पूनम पांडे ने ये कहा। हाँ, बाकी मुझे लगता नहीं है पूनम पांडे के साथ कुछ बीमारी होगी नीचे। हाँ, बुरा लगता है, हम भी शॉक में थे कि यार अच्छी खासी लड़की थी कि ऐसे मर गए एकदम अचानक।
वो भी इस चीज में मर गई। उसकी डेथ कैसे हुई थी ये बात सामने? सर्वाइकल कैंसर को सुना है ऐसा कुछ? सर्वाइकल कैंसर थोड़ा बहुत पता है, अगर कुछ बेसिक क्या होता है वो प्राइवेट पार्ट्स में होता कि मतलब उसी से रिलेटेड होता है, सेक्स रिलेटेड। सेक्स रिलेटेड होता है जब आप मल्टीपल यूज करते हैं मतलब अदर पर्सन से, शायद इसलिए होता है। थिंग्स कैन बी डन इन अ बेटर वे आई थिंक। क्या मैं जानता हूँ, टीवी पे चल रहा है दुनिया, उससे पहले से भी जानते हो? सबसे पहले जाने उसकी मूवी नशा देखी थी 2013 में और उसको जानता हूँ। तो ये झूठी बात बोली थी लोगों में अपना जागरूकता जगाने के लिए, हकीकत में एक्सपायर हो गई? जिंदा है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया। लगता तो आपको क्या लगता है, लोग जागरूक हुए हैं या उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी के लिए किया? नहीं, हमको लगता है कि वो अपने पॉपुलरिटी के लिए किए हैं, लेकिन वैसे समाज में जागरूकता कर लिया और भी साधन है। जरूरी थोड़ा कि आप अपने आपके डेट घोषित कर दो कि मरे गए, ये सही नहीं था। अब ये होगा कि कल को वो खत्म भी होगी तो किसी पे सिंपैथी नहीं आ रही कि जा तू मर जा, जा मर जा। और उसका तो चलो ठीक है, लेकिन उसने औरों के लिए कर दिया ना, और भी कोई होगा तो फिर लोग सेंसिटिव नहीं होंगे इस चीज पे, तो उसने सेंसिटिविटी खत्म कर दी है। तो ये थी जनता और जनता के ओपिनियंस, आपने बताइए आप कॉमेंट सेक्शन में। दैट सजेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।